बड़े सेलिब्रिटी को आपने बुला लिया तो सर कैसे कर लेते हैं आप, थोड़ा बता दीजिए फटाफट कैसे कर लेते हैं। जितनी स्पीड में आपने बोला ऐसे कभी नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि हम इधर बड़ा आराम से समझाते हैं। बड़ा मज़ा आया यार, और ये सारे अपने भाई हैं जो एक मैसेज एक कॉल पे आए हैं, और आज इतनी मस्ती की। कल फैज था हमारे साथ, आज फैजू है, और मैं इंशाल्लाह बोल रही हूँ कि आप अपनी पूरी ग्रुप के साथ आओ, क्योंकि मैंने इनके वीडियोस देखे, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, और ऐसे ही लोग चाहिए जो हमको, जो कुछ नहीं सोचते बस कर देते हैं, वैसे ही लोग चाहिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग रोज़ हैं सुबह में शाम में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और पता चलता है कि आपको लोग प्यार करते हैं। अगर आपके बोलने पे या मैसेज करने पे आ जाते हैं तो इसका मतलब लोग प्यार करते हैं, वरना बड़े बड़े शोज़ होते हैं जिसमें लोग नहीं आते। मेहंदी बहुत भर भर के लगाई है आपने, बताइए भाइयों के सामने मेहंदी वाली, करवा चौथ की बात कैसे बोलोगे जी? करवा चौथ है, लेकिन आज भाइयों के साथ खड़ी हूँ, पति उधर कहीं मसाज करवा रहा, देखो काम बीवी ने किया, मसाज वो करवा रहे, अरे कितना हंसे। नहीं मेरा स्लो है आज, क्योंकि शूट कर रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए मैंने जब जब तो नहीं मगर आज काम किया हूँ मैडम के साथ में, और ये मैडम मेरी दीदी है, जो कि मैं हमेशा से बहुत टाइम से रुका हुआ था कि हम मिलेंगे जल्दी कुछ करेंगे, मगर माशाल्लाह इतना अच्छा स्पेस मिला आज हम लोगों को, इतना हम लोग ने इन्जॉय किए, इतनी सारी मेमोरीज बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि भारती जी ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं सच में, मैं कहा फैजू देखूं भाई इतने फॉलोवर्स इनके इनके, और मैं जब हर्ष के देखे मुझे हर्ष पे गुस्सा आने लग गया कि हर्ष वीडियो बनाते हैं ये वो करते हैं, पर ये बहुत ये क्रिएटिव लोग हैं यार। हमें लगा था कि हम लोग टीवी वाले शूटिंग वाले ही हैं, लेकिन आजकल की ये जो न्यू यंग जनरेशन है माइंड ब्लोइंग क्रिएटर है, मतलब इनको बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी स्क्रीन खुद बनाई है, और माशाल्लाह ये लोग ऐसे काम करते रहे और हमारे शोज पे आते रहे। अच्छा, कभी होने वाला है ऑनर का भाई? ये नवंबर के मिड में जा रहा है, अगर मुझे पांडे ऐसे घूरे ना, देखो कैसे देख रहे हैं भाई, मार के तो नहीं भागेगा ना। सर आप बताइए कि आज मैडम के साथ आप किस तरह के रील्स बनाएंगे? अरे मैडम मैडम भारती बोलो मुझे, मैं इनकी हूँ, मैं पंजाबी की टीचर हूँ, फोटो पोस्ट करने वाला हूँ मैडम के साथ, बहुत अच्छी फोटो कल लिए थे हम लोग, बहुत जल्दी हम लोग ग्रुप के साथ भी आने वाले, तो बहुत सारी अभी मिलेगी आपको। तो बताइए भारती जी किस तरह के गेम शो पसंद करती हैं आप, लाइक जब भी आप घर में रहती हैं? मुझे गिरने पड़ने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तभी हम लोगों को आज ये बहुत नहीं कराया है, गिरे हम लोग, क्योंकि सेट से पता नहीं चलता कि क्या होगा, वो सेट किया जाता है, ये बड़े खुश खुश बाल वाल बर्गर वर्गर खा रहे थे, वो दीदी स्लाइड क्या है वो वाला, मैंने बोला भाई उसी से गिरना है। आपने अभी जैसे ही अपने कैमरे बंद करेंगे मोबाइल में इंस्टा पे जाइएगा, फैजू के इंस्टा पे, और देखिएगा कि एक वीडियो बनाया हम दोनों ने कि कैसा है वो, और मेरे को थोड़े गिरने वाले कोई जीतने वाले गेम वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जीते हैं भाई ये अंदर आज। अभी कल जीता था बिल्कुल। दिवाली भी है भारती जी, तो बताइए किस तरह से स्पेसिफिक प्लानिंग होती है भारती जी की तरफ से, एंड इस वक्त तो दिवाली की तैयारियां यही है, पटाखे अंदर ही फूट रहे हैं भाई हमारे, और बड़ी अच्छी दिवाली होने वाली है, क्योंकि अब ना बहुत सारी चीज़ें OTT में आने वाली है, ठीक है? पहले क्या होता था, अरे डांस शो आने वाला घर पहुंचना है, कॉमेडी शो आने वाला, ये अब हमने हम जो ये इनसे ही सीखा है, मैं तो टीवी वाली थी भाई, इनसे ही सीखा है कि यस अब ना अपना टाइम अपने हाथ में होना चाहिए, अब मोबाइल में आपके OTT प्लेटफॉर्म है सब, अब आपको है कि अरे गेम शो देखना है या फैजू का शो देखना है, घर जाके अपने टाइम पर सोते वक्त देखूंगी, अरे निकल गया वो तो, अरे 9 बजे आता है ना वो तो, ऐसा नहीं, अपने टाइम पे बिल्कुल। आप सुबह कमोड में बैठते हल्के होते हैं ना, फ्लश करने से पहले हमारा शो खत्म हो जाएगा भाई। सच में बताओ तो गाइस, अभी तक का मैंने YT के लिए, मतलब अगर ऐसा अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो, मैं तो सच में अभी तक नहीं देखा, और ये देखने के बाद और इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आई है, अब मुझे एडिट के बाद देखना है कि और ये कितना ग्रैंड लगेगा, और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। थकी हुई जैस्मिन हमारे बीच में आ गई है, करवा चौथ वाले दिन ऐसी बातें बोलते हैं लड़की को, नहीं मतलब कि हम आपको एनर्जी देंगे, यहाँ पर सवाल जब आपके आप बहुत ही आप एक्साइटेड, थकी हुई लड़की गेम खेल के आई अंदर से बेचारी, देखिए कितने एक्साइटेड हो गए, कितने खुशी हो रहे हैं साथ वाले, माइक अपने ऐसे करी जा रहे जैस्मिन,
आपने कहीं जैस्मिन के लिए व्रत तो नहीं रखा? नहीं रखा, लेकिन रखने वाले भी रख सकते हैं। भारती जी, सवाल यही था कि इंडिया पाकिस्तान का आज मैच भी, तो आप बताइए। मैंने पहले भी कल मीडिया को कहा था, ऐसे मुश्किल सवाल, इंटेलिजेंट वाले सवाल मुझसे पूछे कि मैच हो रहा है क्या कहेंगे, बजट आ रहा है, मुझे नहीं पता होता। मुझे पता, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आज करवा चौथ भी है, तो पति काफ़ी छुट्टी लेके बैठे हैं और बीवियाँ खुश हो रही होगी कि ये मेरे कारण लेके बैठे हैं, लेकिन उनको क्या पता मैच आ रहा है। बहनों, मैं तो चाहती हूँ कि भाई अपन, वी आर इंडियन, इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। यस मैम, मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ और भारतीय टीवी और शो, ये सब कुछ मेरे लिए तो घर का ही है, बिकॉज भारतीय भाषा फैमिली टू मी, और इट्स लॉट ऑफ फन। मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी इंडियन ने इंडियन यूट्यूब चैनल पे अकेले ऑन द ओन इतना बड़ा शो हो ही गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम थिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। भारती जी, जब इस तरह के लाइव कमेंट्स आपको मिलते हैं, इतने सारे प्यार, यही होता है जब अपनी बहन से खाना खिला के निकालो ना, तो बंदा अपनी बात करता है। नहीं नहीं, जैस्मिन तो सच में मेरी बहन जैसी है, और ये बिग बॉस में थी या बाहर आई, तो मैं इसके लिए, मेरे को हमेशा मैं अंदर जाने के लिए रेडी थी, क्योंकि जब चैनल बोलता है कि आप जैस्मिन के लिए जाओगे, तो मैं बोलती थी हमेशा, उसको भी पता है। सो बड़ी अच्छी बात लगती, क्योंकि ये मुँह फट है बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, ये मुँह पे बोल देती है। सो मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो मुँह पे बोल दे। और पांडे अभी उधर से आके उधर से देख रहा है घूर के, हैं पांडे, क्या हमने क्या कर दिया भाई ऐसा। वाह, मुझे लगा और सवाल आया है। भारती जी नहीं थी ना साथ में, आप और भारती जी आ जाते हैं मंच पे तो कुछ अलग ही। मंच भी तो बाहर है ना, अभी मंच अंदर है ये ना, लेकिन मुझे लगता है फैजू एक एपिसोड हमें मीडिया के साथ करना चाहिए, ये साथ दादा को, जब और इनके सबके कैमरे हम पकड़ेंगे। गिरी यार, भारती गिरी, ये जो बोलते हैं ना पीछे से, फैजू गिरा, वो हमें करना चाहिए। ये इन सब की नोरा फतेही जी बहुत फेवरेट है। ये मैं एक शो में थी डांस दीवाने, मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही थी और इन्होंने पीछे से बोला, नोरा को सारे कैमरे उधर भाग गए भाई, मेरे पास साथ एक ही कोई था छोटे से कैमरे वाला, वही खड़ा रहा। इस बंदे ने बोला नोरा इन नोरा, सारे भाग गए जैस्मिन। एक लाइव करवा दो ना। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट्स कर लेते हैं, सब लोग सभी आ जाइए। भारतीय वाला कैमरा। अच्छा, स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट, ये वाला से कंफ्यूजन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करते हैं मन में कितना, एक दो तीन, एक दो तीन, एक चलो वन टू थ्री। भारती जी यहाँ पर नहीं देखा आपने, जैस्मिन जी यहाँ पर आपके लिए फोटो खींचना था, अपने चैनल के लिए कर देंगे। अरे मैडम, चैनल के लिए मिला, अब मैं कपड़े इधर आपको देखूंगा, वो तो खिंचवाओ यहाँ पर, यहाँ पर। बहुत प्यार करते हैं भारती जी से, बहुत रह नहीं पाता, मेरा फेवरेट ऐसा है। भारती जी इधर पहले वाला कैमरा, और एक ऐसे भी करते हैं। भारती जी मेहंदी बता दो, मेहंदी लेके जाना है क्या? हाँ ये पहला वाला कैमरा, और शादी की पोस्टर, नाम है इसमें राजू, पप्पू, महेश, विक्रम, राजा नोरा का फेवरेट, राजा ना, तो राजा की लड़ाई हो जाएगी, हंस
हंस रहा है यार।